गुड इवनिंग बच्चों, और अगर ये मॉर्निंग आपके लिए है, गुड मॉर्निंग। और मुझे पता है आप एडिटोरियल की चाहत रखे होंगे कि अभी एडिटोरियल आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपको एक चीज ये समझने की आवश्यकता है। देखिए, ये एडिटोरियल ले आने का मकसद मेरा ये कतई नहीं है बच्चों कि मैं आपको एडिटोरियल पढ़ाना चाहता हूँ, भीड़ जुटाना चाहता हूँ या ऐसा कुछ। मेरा मकसद है अपने अनुभव के कारण ये समझ कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपका क्या क्या तैयार हो जाए। आपका बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ड पावर आपका तैयार हो जाएगा, जो बहुत जरूरी है। आपका जो कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस फिलर्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके तैयार हो जाएंगे। जिन बच्चों की क्लोज टेस्ट, PQRS सिस्टम और कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज की प्रॉब्लम होती है, वो तैयार हो जाएंगे। तो आप सोचिए बचा क्या। और वो बच्चे जो मॉडरेट लेवल पे हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें पैसेजेस को पढ़ना आ जाए, यानी जिनको ये लगता है कि इंग्लिश में क्या लिखा है, कैसे समझे हम, अगर वो मेरे साथ मेहनत करेंगे तो उन्हें पढ़ना आ जाए। तो ये जो एग्जाम्स के लेवल पे आपकी वर्ड पावर, आपका कॉमन कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह है, अगर ये आपको आजमाना है कि हमको कैसे पता कि हमारा तैयार हो रहा है कि नहीं, तो बताइए कैसे पता चले। तो मैं बिल्कुल एक फ्रेश तरीके से एक ऐसा सेक्शन लेके आपके सामने हूं, जिस सेक्शन के द्वारा हर एडिटोरियल पढ़ने के बाद आपको आजमाया जाएगा। एक तरह से, दूसरे रूप में कहें, इन अदर वे, तो आपको तैयार कराया जाएगा। यानी आपको ये बताया जाएगा कि आपने ये जो एडिटोरियल पढ़ा है, इसमें आपने क्या क्या सीखा जो एग्जाम्स में आपके काम आएंगे। और ये तभी होगा जब आप एक टेस्ट के द्वारा गुजरेंगे और आपको ये पता चलेगा कि हाँ, इतना पोर्शन या इतनी सारी चीजें हमारा क्या हो चुके हैं, हमारी क्या हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। ठीक है? तो मैं आपके सामने बिल्कुल एक फ्रेश तरीके से, आपके सामने आप देख रहे होंगे, ये वर्ड पावर पर एक्सरसाइज मैंने खुद बनाई अपनी मेहनत करके। रात करीब 2 बजे तक मैंने इस पर मेहनत किया, और उसके बाद मैंने इसी सेक्शन से, यानी जो एडिटोरियल मैंने पढ़ाया है, उसी में से जो एग्जाम्स में आपके कॉमन एरर्स दिए जा सकते हैं या जिस पैटर्न पर दिए जाते हैं, वो तैयार कराने की कोशिश की है। आगे इसमें और भी चीजें मैं जोड़ूंगा। पिछली बार जब मैं एडिटोरियल्स पढ़ाता था, जिन बच्चों को याद हो, तो उसमें मैं एडिटोरियल पढ़ाते समय ही उसी सेक्शन में मैं वहां पे कुछ एक कॉमन एरर्स दे दिया था जो इनऑर्गेनाइज्ड वे में होता था। इससे बच्चों को उतना फायदा नहीं होता था। तो यहां मैंने अपने अनुभव का फायदा लिया कि एक तरफ आप क्या करें, एडिटोरियल पढ़ें, और जस्ट उसके अगले सेक्शन, यानी अगली बार उस एडिटोरियल पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के पर्पस से, वो मैं आपको तैयार करा दूं। इससे हर अगली बार, हर एडिटोरियल के बाद आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नया बिलीफ आएगा बच्चों, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, अब हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमें एडिटोरियल के द्वारा पढ़ना भी आ रहा है, और उस एडिटोरियल के द्वारा एग्जाम्स में हमारी काम आने वाली जो बेनिफिशियल चीजें हैं, वो चीजें भी हमारे काम में आ रही है। ठीक है? तो चलिए, आजमाइश है आपके लिए कि अगर आपने एडिटोरियल का मेरा फर्स्ट सेशन पढ़ा है, तो देखें कितने वर्ड्स आपने तैयार कर लिए। चलिए देखते हैं, और अगर आप अच्छे होंगे तो आप ज्यादातर वर्ड्स को आपने तैयार कर लिया होगा। ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो ये 25 अप्रैल का जो मैंने आपको एडिटोरियल पढ़ाया हुआ था, उसी में से सारे वर्ड्स, वही सारे वर्ड्स बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने दिए हैं। बस इनके ऑप्शंस मैंने अपने से बनाए ताकि आप इन्हें एग्जाम्स के पैटर्न पर तैयार कर सके। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है आपका एनाथेमा। तो बताएं इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड हो जाएगा। याद है आपको, ब्लेशिंग होगा क्या, मर्डर, इमर्स या कर्श? याद आया, एनाथेमा मीन्स होता है अभिशाप, कोई ऐसी चीज जो एक समाज के लिए गलत हो, अभिशाप की तरफ तरह हो, वो एनाथेमा होता है। इसकी जो वर्ब फॉर्म होती है, एनाथेमेटाइज, किसी को शापित करना होता है, एनाथेमा एक नाउन होता है। ठीक है? तो एनाथेमा का जो सेनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये पोर्शन हो जाएगा, कर्श। यानी एनाथेमा का सेनोनिम कर्श हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका
क्वाश, याद है आपको क्वास का सनोनिम क्या होगा इसमें से? बोले, एक्चुअली मैंने इसमें सनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों दिए हैं वर्ड्स के रूप में, लेकिन अभी मैं आपको यहां सनोनिम्स तैयार करा रहा हूं। तो क्वास का सनोनिम क्या है, याद आया आपको? याद आया बच्चों? क्वाश मीन्स होता है लीगल प्रोसीजर के द्वारा किसी चीज को रद्द कर देना, किसी निर्णय वगैरह को रद्द कर देना। तो क्या हो जाएगा क्वाश का, याद आ गया? रिजेक्ट। यही हो जाएगा क्वास मीन्स रद्द करना। तो रिजेक्ट मीन्स भी एक तरह से मना कर देना, इनकार कर देना, अस्वीकार कर देना। चलिए, जो कठिन वर्ड्स रहेंगे ऑप्शंस में वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहां भी ऐसा कोई वर्ड नहीं जो आप न जानते हो। तीसरा शब्द है आपका इक्वालिटी। याद करें, इक्वालिटी मीन्स क्या होता है और इक्वालिटी का यहां पे सनोनिम क्या होगा, याद करें। बोलिए, इक्वालिटी का क्या होगा? बोलिए बच्चों, आपने कमेंट्स में बता सकते हैं आप, इक्वालिटी का क्या हो जाए? कर लेंगे। इक्वालिटी मीन्स होती है समानता। तो समानता के रूप में इसका जो सनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा फेयरनेस। हो जाएगा फर्मनेस नहीं होगा, चीयरफुलनेस नहीं होगा। क्वाशिंग ऊपर मैंने दिया था, क्वाश मीन्स रद्द करना होता है। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया, इस तरह आपको ही पता चल जाएगा। हाँ, इतने सारे वर्ड्स हमारे तैयार हो रहे हैं। अगला वर्ड आपका है लॉडेबल। पढ़ा था आपने एडिटोरियल में, याद करें। लॉडेबल का सनोनिम क्या हो जाएगा? लॉडेबल का सनोनिम क्या हो जाएगा, याद आ रहा है आपको? लॉडेबल मीन्स, याद आ रहा है? लॉडेबल मीन्स होता है प्रशंसनीय, डिजर्विंग प्रेज, जो प्रशंसा के योग्य होता है वो लॉडेबल होता है। तो मेमोरेबल नहीं होगा ना, ऑफनॉक्सस तो कतई नहीं होगा। ऑफनॉक्सस मीन्स घृणित होता है, जो चीज घृणा योग्य होती, घृणित होती, वो ऑब्नॉक्सस होते। फीजिबल आपको याद होगा, फीजिबल मीन्स उचित, व्यवहारिक जो चीज होती, प्रैक्टिकेबल होती, प्रैक्टिकल होती है या वायबल होती है, वो क्या होती? फीजिबल होती है। कमेंडेबल हो जाएगा, लॉडेबल मीन्स प्रशंसनीय, तो कमेंडेबल मीन्स भी क्या होता है? प्रशंसनीय। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड आपका है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड आपने पढ़ा था एडिटोरियल में। डिप्राइव्ड मीन्स, याद करिए, डिप्राइव्ड जब कोई तबका होता है, कोई ऐसा स्पेशली जो गरीब लोग होते हैं, दलित लोग होते हैं, SC ST में आते हैं, ये लोग बहुत सारी सुविधाओं से, फैसिलिटीज से क्या होते हैं? डिप्राइव्ड होते हैं। तो अगर ये फैसिलिटीज से डिप्राइव्ड होते हैं तो डिप्राइव्ड का क्या होगा? प्रिविलेज्ड हो जाएगा। कतई नहीं, प्रिविलेज्ड मीन्स सुविधा संपन्न होता है, जिनके पास सुविधाएं होती हैं वो प्रिविलेज्ड क्लास होता है। लॉडेबल नहीं होगा, ऊपर आपने पढ़ा था, लॉडेबल मीन्स प्रशंसनीय होता है। वर्डिक्ट नहीं होगा, आप जानते हैं वर्डिक्ट एक जज के द्वारा जो निर्णय दिया गया होता है, किसी चीज पर आप जो अपना निर्णय देते हैं वो वर्डिक्ट होता है। तो डिप्राइव का क्या हो जाएगा? अनप्रिविलेज्ड, जो सुविधा रहित यानी वंचित वर्ग होता है, सेक्शन होता है, वो क्या होता है? डिप्राइव्ड होता है। और याद रखिए, एक एग्जाम में डिप्राइव्ड के साथ आपका जो प्रीपोजिशन होता है वो ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड आपका है वर्डिक्ट। याद करें, वर्डिक्ट मीन्स क्या होता है, याद आ गया? वर्डिक्ट मीन्स निर्णय होता है। तो अगर वर्डिक्ट मीन्स निर्णय होता है तो क्या हो जाएगा? एडजुडिकेशन होगा, सबजुगेशन होता होगा, इम्पावरिश्ड होगा या अफ्लुएंट होगा। वर्ड्स आपको याद होंगे। एडजुडिकेशन मीन्स भी क्या होता है? निर्णय होता है। सबजुगेशन क्या होता है? अधीनता के सेंस में लेते हैं। इम्पावरिश्ड, इम्पावरिश्ड कौन होता है? जो वंचित वर्ग, गरीब वर्ग होता है। अफ्लुएंट कौन होता है? जो समृद्ध होता है, धनी होता है। तो वर्डिक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडजुडिकेशन यानी निर्णय। चलिए, नेक्स्ट वर्ड्स आपके पास हैं। ये वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल, याद है आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स बहुत आसान है, वैसे जब भी आप कोई डिबेट वगैरह सुनते होंगे, देखते होंगे, वैसे डिबेट वगैरह TV प्रोग्राम से बहुत कम ही देखा करें। ये जितना आपको जानकारी नहीं देंगे उससे ज्यादा आपको बहुत सारे अलग अलग रंगों में रंग देंगे। तो TV के जो एंकर्स होते हैं या जो उसे पैनलिस्ट होते हैं, उनके डिबेट से बच के ही रहें। मैं भी अब बचने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी सुनता हूँ मैं। देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपको याद है, अक्सर इस शब्द यूज किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन से बना है। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक,
तो इक्वल नहीं होगा। एनाथेमेटाइज मैंने ऊपर बोला था, एनाथेमा मीन्स शाप, तो एनाथेमेटाइज मीन्स क्या हो जाएगा, शापित करना, किसी को शाप देना। स्ट्रक्चरल हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल का जो सरनेम होगा वो स्ट्रक्चरल हो जाएगा, संवैधानिक या सांगठनिक। वर्केबल आप याद हो गया होगा, वर्केबल, यूजेबल, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकेबल, फिजिकल, फिजिबल और वाइबल, सबके मीन्स व्यवहारिक या उचित होता है। ठीक है, ये वर्ड्स धीरे धीरे तैयार करते जाएं, जितनी बार ये चीजें आप देखेंगे पढ़ेंगे ये वर्ड्स आएंगे। और एक आपको सजेशन है, आप वर्ड्स को अपनी लाइफ में यूज करें बच्चों। जैसे अभी मैंने कहा वर्केबल, ठीक है, या फिजिबल या वाइबल, आप कभी भी आपका ऐसे कहना हो कि आपका ये जो कार्य है ना ये व्यवहारिक है, तो आप व्यवहारिक कहने के बजाय फिजिबल कह दें, वायबल कह दें, वर्केबल कह दें, डोएबल कह दें, प्रैक्टिकल कह दें, प्रैक्टिकेबल कह दें, अपने आप वो वर्ड्स तैयार हो जाएं। कोई भी वर्ड आप इस तरह तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल क्या होता है, याद है आपको, डेट्रीमेंटल मीन्स होता है नुकसानदायक। तो कौन सा वर्ड होगा इसमें, हार्मलेस होगा, नंदलेस होगा, इंजरियस होगा या मॉकिंग होगा। याद आ गया आपको, अगर डिट्रीमेंटल में, डिट्रीमेंटल मीन्स नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है, तो इसका सरनेम क्या हो जाएगा, इंजोरियस, यही हो जाएगा। चलिए नंदलेस में जाते होंगे, फिर भी के सेंस में आप कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ईयर मार्क। ईयर मार्क क्या होते हैं, ईयर मार्क या फिर ईयर मार्क, आप कोई चीज आगे कुछ करना चाह रहे हो, उसे करने के लिए जिन पैसों या संसाधनों की जरूरत होती हो वो आज से ही आप क्या कर रहे हो, जुटाने लग रहे हो, कलेक्ट करने लग रहे हो। तो वो जो आप उन पैसों को रख रहे हैं ना, आप उन्हें क्या कर रहे हैं, ईयर मार्क कर रहे हैं, मैं उन्हें रिजर्व करते जा रहे हैं। तो ईयर मार्क का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, सॉरी, ये हो जाएगा रिजर्व। प्रिजर्व क्या होता है, किसी चीज को पहले से ही सुरक्षित कर लेना ताकि वो चीजें खत्म ना हो जाए। जैसे बाघ को हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिजर्व करते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम हो जा रही। कंजर्व क्या होता है, कंजर्व जो चीज अभी है और आगे हमें उसे बचाना है वो कंजर्व करना। जैसे जल को हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं, यानी यूज भी कर रहे हैं और बचा भी रहे हैं, ये कंजर्व करना होता है। और सर्व आप जानते हैं, सेवा करना होता है। तो ईयर मार्क का जो सनोनिम होगा वो रिजर्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, ये वर्ड पावर तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है। एडिटोरियल पढ़ें, 50-60% वहां आपको याद होगा। पढ़ने के बाद मेरे साथ इन पर एक्सरसाइज करें और देखें आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे। और अगर 100% तक ले जाना है तो इन वर्ड्स को अपने लाइफ में यूज कर लेंगे तो याद हो जाएगा। कोशिश करें, कठिन होगा बट मुश्किल नहीं, मीन्स असंभव नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सबसिक्वेंट। आपको याद होगा सबसिक्वेंट मीन्स, याद करें, सबसिक्वेंट, सबसिक्वेंट, सबसिक्वेंट मीन्स आगामी। याद आ रहा है आपको, सबसिक्वेंट मीन्स आगामी। तो इशूइंग नहीं होगा, इशू से बना, इशू में जारी करना होता है। पिस ऑफ नहीं होगा, पिस ऑफ क्या होता है, परेशान कर देना, बिल्कुल तंग कर देना, या किसी स्थान से चले जाना, गो अवे कर जाना। परस्यूइंग भी नहीं होगा, परस्यू क्या होता है, अनुसरण करना, इसी से परस्यूट बना है, अनुसरण, फॉलोइंग। हाँ, एनसुइंग हो जाएगा, एनसुइंग मीन्स आगामी। ये वर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, याद कर लीजिएगा। तो सबसिक्वेंट का सरनिम क्या हो जाएगा, एंसोइंग, आगामी। चलिए और वर्ड्स हैं जो मैंने एडिटोरियल में दिए थे वही वर्ड्स यहां मैंने सेम आपको दिए हैं, बस यहां पे मैंने उनके ऑप्शंस बना के आपको तैयार करने के लिए दे दिया। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रैशनेल। रैशनेल याद है आपको, रैशनेल जैसे सरकार का ये निर्णय जो है, इसके मतलब इस निर्णय के पीछे सरकार का अपना रैशनेल था, मीन्स क्या थे, उसके अपने तर्क थे, अपने कारण थे, अपनी रीजनिंग्स थे, अपने लॉजिक्स थे, यही ना। यानी रैशनेल का डेट्रीमेंटल तो नहीं होगा, डेट्रीमेंटल याद है आपको, डेट्रीमेंटल में नुकसानदायक। एडजुडिकेशन तो नहीं होगा, एडजुडिकेशन क्या होगा, निर्णय। ग्राउंड्स तो हो जाएगा, ग्राउंड्स मीन्स कारण होता है, ठीक है। और सक्सेडिंग नहीं होगा, सक्सेडिंग मीन्स भी जो आगे आने वाली वो सक्सेडिंग होते हैं। वाइबल आ गया आपका, वाइबल मीन्स याद है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकेबल। तो वाइबल का ईयर मार्किंग नहीं होगा, याद हो गया, ईयर मार्किंग आगे के लिए बचत करते रहना, बचाते जाना।
रिक्रूटमेंट नहीं होगा, आपने कल पढ़ा था रिक्रूटमेंट मीन्स बचत, यही ना। डैमनेशन तो कतई नहीं होगा, डैमनेशन मीन्स अभिशाप होता है, क्या हो जाएगा फीजिबल, यानी वाइबल का सनोनिम क्या हो जाएगा फीजिबल, व्यवहारिक या उचित। आप कोई कार्य करते हो वो कार्य उचित है व्यवहारिक है तो वो वाइबल है फीजिबल है। नेक्स्ट फ्रेज है आपका टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट क्या होता है, जैसे कोर्ट किसी मसले को अपनी संज्ञान में ले रही है, अपने कॉग्निजेंस में ले रही है, तो द कोर्ट इज टेकिंग द मैटर इनटू अकाउंट, यानी टेक इनटू अकाउंट मीन्स किसी चीज पर विचार करना, संज्ञान में लेना। तो क्या हो जाएगा, टू फॉरगेट कतई नहीं भूल जाना, टू फॉलो कतई नहीं अनुसरण करना, टू टीज कतई नहीं चिढ़ाना परेशान करना, क्या हो जाएगा टू कंसिडर किसी चीज पर विचार करना उसे अपने संज्ञान में लेना। चलिए 13 वर्ड सोच चुके हैं बच्चों, 14वां वर्ड है आपका रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट याद है आपको, रिक्रूटमेंट अभी ऊपर आपने पढ़ा था, आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती के लिए नॉर्मली हम ये वर्ड यूज करते हैं, तो भर्ती ज्वाइनिंग यही हो जाएगा। प्रैक्टिकेबल याद हो गया होगा जो व्यवहारिक है, एडज्वाइनिंग याद है आपको बगल का जो सटा हुआ कमरा होता है आपका वो एडज्वाइनिंग होता है, डिस्टेंट याद करें दूर का यही हो जाएगा। चलिए और कुछ वर्ड्स हैं देख लें, चलिए ये वर्ड्स आ गए हमारे पास अजार। अजार याद है आपको, अजार अगेप स्लाइटली ओपन हाफ ओपन अनलैच्ड याद है मीन्स आधा खुला हुआ, तो अजार मीन्स अगर आधा खुला हुआ तो ओपन कैसे हो जाएगा, क्लोज्ड तो पूरा बंद हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा हाफ ओपन, हाफ ओपन आधा खुला हुआ, डिस्क्लोज्ड कोई मैटर अगर डिस्क्लोज हो चुका है तो वो डिस्क्लोज्ड है। कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आपको याद हो, कॉन्स्टिट्यूएंट याद है, अगर हम किसी मैटर की बात करते हैं ना तो उस मैटर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसकी जो निर्वाचक होते हैं वो निर्वाचक कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं, मीन्स उसका अवयव एक घटक जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो क्या हो जाएगा सेलेक्टर नहीं, बेनिफैक्टर नहीं, बेनिफैक्टर तो किसी के आर्थिक मदद करने वाला होता है, तो बेनिवोलेंट कौन होता है, किसी की भावनात्मक मदद करने वाला होता है, तो गुड सामैरिटन कौन होता है जो कहीं पर भी किसी की भी मदद कर देता हो, तो अल्ट्रुइस्ट कौन होता है जो अपने दिल में परोपकार की भावना रखता हो, जो अंदर परोपकार की भावना रखता है वो अल्ट्रुइस्ट है, जो भावना दिखा देता है किसी के प्रति वो बेनिवोलेंट है, जो आर्थिक रूप से किसी की मदद कर देता है वो क्या है बेनिफैक्टर है, और जो किसी की भी मदद कर सकता हो जिसको जानता भी ना हो कहीं भी कभी भी वो क्या है समैरिटन होता है। ये चारों वर्ड्स परोपकारी के सेंस में याद कर लीजिएगा। चलिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट का हो जाएगा आपका कलेक्टर भी नहीं होगा, कलेक्टर तो इकट्ठा करना होता है करने वाला होता है, क्या हो जाएगा इलेक्टर मतदाता निर्वाचक चुनने वाला जो होता है वो इलेक्टर होता है। इम्पोज, इम्पोज इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर कुछ निर्णय आप पर थोप दिए जाते हैं ना, अक्सर कुछ निर्णय आप पर थोप दिए जाते हैं लागू कर दिए जाते हैं आपको मानना ही पड़ता है, जैसे टैक्सेस वगैरह क्या किए जाते हैं इम्पोज किए जाते हैं, तो इम्पोज का सरनेम क्या होगा ऑब्ट्रूड ऑब्ट्यूज एब्स्ट्रूज या एब्ड्यूरेट क्या होगा, ऑब्ट्रूड याद है आपको ऑब्ट्यूज याद है पता है चारों वर्ड्स के मीनिंग, मैं चारों बता रहा हूं क्योंकि चारों अच्छे वर्ड्स हैं। ऑब्ट्रूड क्या होते हैं किसी पर लागू करना थोपना टैक्सेस वगैरह लगाना, ऑब्ट्यूज क्या होते हैं जो मंद बुद्धि होता है, जो कहते हैं ना वो कोई चाकू वगैरह है उसकी धार खत्म हो चुकी है वो ऑब्ट्यूज है, किसी व्यक्ति की बुद्धि नहीं काम कर रही है वो ऑब्ट्यूज है, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट कौन होता है जो कठोर होता है थोड़ा सा हार्ड होता है स्ट्रिक्ट होता है वो ऑब्ड्यूरेट होता है। एब्स्ट्रूस क्या होते हैं कुछ ऐसी चीजें या ऐसे पैसेस या ऐसे कुछ कार्य जो कठिन हो मीन्स जो घने हो सघन हो जिन्हें मतलब हल करना आसान ना हो वो क्या है एब्स्ट्रूस होते हैं। फिर से ऑब्ट्रूड लागू करना थोपना, ऑब्ट्यूज मंद कुंठित, ऑब्ड्यूरेट कठोर और एब्स्ट्रूस
कठिन, ठीक है, तो इम्पोज का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड है अल्बेट, अल्बेट याद होगा आपको, बिल्कुल आसान, यद्यपि के सेंस में आप यूज करते हैं कंजंक्शन के रूप में, तो थॉट यहां मैंने दिया है, थॉट नहीं होगा, मैंने बहकाया है, एक्चुअली ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, दो या ऑल दो होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स और बचाएंगे। ये वर्ड्स आ गए आपके सैंक्टिटी से, सैंक्टिटी याद है आपको, सैंक्टिटी मीन्स सैंक्टिटी गॉडलीनेस है, इम्प्योरिटी है, बेन है या इम्पायरिटी, क्या होगा? सैंक्टिटी मीन्स होती है पवित्रता, याद आया, पवित्रता। ये सारी वर्ड्स मैंने एडिटोरियल के दिए हैं आपको बच्चों, ठीक है, तो जरूर तैयार करिएगा, और रेगुलर जितने भी एडिटोरियल्स मैं दूंगा ये हर हाल में इन पर मैं एक्सरसाइज बना के आप दूंगा, जितना भी समय लगे मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता रहूं। चलिए, तो सैंक्टिटी का मीन्स पवित्रता अगर होता है तो क्या हो जाएगा बच्चों, गॉडलीनेस, यही होगा पवित्रता। इम्प्योरिटी भी अपवित्रता होती है, इम्पायटी भी अपवित्रता होती है, और बेन मीन्स शाप होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्परेटिव, मैंने कहा था एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके, इम्परेटिव मीन्स होता है आवश्यक, जरूरी, तो क्या होगा, ज्यूडिशियल होगा, नहीं, ज्यूडिशियल मीन्स न्यायिक, न्याय से संबंधित जो होता है वो ज्यूडिशियल होता है। क्या क्रूशियल होगा, बिल्कुल होगा, क्रूशियल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, जरूरी। ज्यूडिशियस क्या होता है, जो विवेकपूर्ण हो, आप कोई ऐसा निर्णय लें जिसमें आपकी बुद्धि आपका विवेक शामिल हो, वो ज्यूडिशियस होता है। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, जो अधिकार क्षेत्र होता है, जैसे इधर एक पुलिस थाना है और इधर एक पुलिस थाना है, बीच में क्या है, सीमा है, शहर की सीमा है। अब यहां कोई मर्डर हुआ तो अक्सर आपने सुना होगा पुलिस को अधिकार क्षेत्र को लेकर के आपस में उलझ गए, बोलो कि नहीं मेरी सीमा में नहीं आता है, मेरी सीमा में नहीं आता है, दिस इज ज्यूरिसडिक्शन मीन्स अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रीच, ब्रीच मीन्स क्या होता है, याद है आपको, ब्रीच, ब्रीच से ही ब्रेक बना है बच्चों, ब्रीच मीन्स होता है उल्लंघन, जैसे आपने किसी कानून या किसी चीज को तोड़ दिया, कोई एग्रीमेंट है, कोई लॉ है, कोई कोड है, आपने उसे तोड़ दिया तो आपने ब्रीच किया, मीन्स आप ब्रीच के दोषी पाए गए, यानी आपने उसका वायलेशन किया, आपने उसका इन्फ्रिंजमेंट किया, आपने उसे नहीं माना, यानी आप उसे ब्रेक आपने कर दिया, ब्रेकिंग के आप क्या हो गए, दोषी हो गए, दिस इज अ ब्रीच। तो वायलेंस, ये बहकाया मैंने जल्दीबाजी में, आप जल्दीबाजी ना करें, तो वायलेंस नहीं होगा, वायलेंस मीन्स हिंसा होते हैं। कंसेंट्रेशन बिल्कुल अलग वर्ड है, कंसेंट्रेशन मीन्स एकाग्रता, किसी चीज पर आपकी जो एकाग्रता होती वो क्या होती, कंसेंट्रेशन होती है। वायलेशन हो जाएगा ना, वायलेशन आपका उल्लंघन को कहते हैं, किसी लॉ वगैरह को तोड़ने को कहते हैं। डिवोशन मैंने बढ़िया वर्ड दिया है, जिस दिन आपके अंदर अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने करियर को लेकर के डिवोशन आ गया, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये कब आएगा, जब आपको अपने परिवार वालों, अपने माता पिता के प्रति आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, और जैसे वो एहसास होगा तो पढ़ाई के प्रति आपके मन में एक डिवोशन आएगा, और डिवोशन आएगा में समर्पण आएगा, समर्पण आएगा तो आप समय का सही सही क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और ईश्वर हर हाल में आपका साथ देगा, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन आप याद होगा रियायत, जब आपको कोई एग्जेम्पशन देता है, जब आपको एग्जोनरेशन देता है, जब आपको कोई इम्यूनिटी प्रदान कर देता है, जब आपको एक्सेप्शन बना दिया जाता है, तो आपको क्या दे दिया जाता है, डिस्पेंसेशन दे दिया जाता है। तो डिस्पेंसेशन एक्सकम्युनिकेशन नहीं होगा, एक्सकम्युनिकेशन क्या होता है, एनाथेमा होता है, समाज से बहिष्कृत करने का कार्य। क्रिएशन निर्माण को कहते हैं, एग्जेम्पशन हो जाएगा, एग्जेम्पशन मीन्स भी रियायत या छूट हो जाएगी, तो डिस्पेंसेशन का जो सिनोनिम होगा एग्जेम्पशन हो जाएगा। वेनरेशन क्या होता है, जब आप किसी को बहुत अधिक पसंद करते हैं, प्रेम प्रदर्शित करते हैं, श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं, तो आप उसे वेनरेट करते हैं, और जब आप वेनरेट करते हैं तो आपके अंदर वेनरेशन उत्पन्न हो जाता है, श्रद्धा प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो डिस्पेंसेशन मीन्स एग्जेम्पशन हो जाएगा सिनोनिम के रूप। चलिए कुछ और वर्ड्स हैं बच्चों, 6-7 वर्ड्स।
लीजिए, 3 वर्ड्स केवल आपके पास है। तो नेक्स्ट वर्ड है आपका बैकड्रॉप। याद है आपको, हर चीज की एक बैकड्रॉप होती है, मीन्स क्या होती है, उसकी पृष्ठभूमि होती है। तो बैकड्रॉप का सिनोनिम ड्रॉबैक्स तो नहीं होगा ना, ड्रॉबैक्स कमियों को कहते हैं, शॉर्टकमिंग्स को कहते हैं, ठीक है। बाइंडिंग भी नहीं होगा, बाइंडिंग क्या होता है, बाध्यकारी होता है, एक बेहतर वर्ड के सेंस में। वैसे बाइंडिंग वो भी होती है जो आप किताबों की करते हैं, यहां बाइंडिंग मेरा ध्येय बाध्यकारी, जो आप पर मैंडेटरी हो वो बाइंडिंग होता है, कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इसेंशियल, आपको याद होगा इसेंशियल, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो, महत्वपूर्ण हो, वो इसेंशियल होता है, ये इसेंस से बना है आपका। और बैकड्रॉप का जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, ये होगा ना बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि उस चीज की। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड है आपका एक फ्रेज के रूप में, लैटिन फ्रेज ऑर्बिटर डिक्टा, याद है आपको ऑर्बिटर डिक्टा, जब आप एक प्रासंगिक उक्ति देते हैं तो वह ऑर्बिटर डिक्टा होता है, ओपिनियन, बिल्कुल यही है। यानी एक जो जज होता है वो अपनी राय रखता, निर्णय से संबंधित, रिटेन जो उसने जजमेंट दिया है उस पर या किसी चीज पर वो अपनी राय रखता है, उसकी वो जो राय होती है वो दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी नहीं होती, यानी वो कोई जरूरी कि लागू किया जाए। दिस इज ऑर्बिटर डिक्टा, मीन्स ओपिनियन। अनलैच्ड आपको याद हो गया, अनलैच्ड मीन्स हाफ ओपन, स्लाइटली ओपन, अजार यही ना, अध खुला, थोड़ा सा खुला हुआ। प्रोसीजर आपको याद होगा, लीगल प्रोसीजर, कानूनी प्रक्रिया, कानूनी कार्यवाही जो होती वो प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर होती है। अनअटैच्ड बिल्कुल इजी, अनअटैच्ड एक दूसरे से न जुड़ा हुआ, अटैच्ड जुड़ा हुआ, अनअटैच्ड अलग अलग। और हमारे सामने बिल्कुल वर्ड पावर के रूप में अंतिम शब्द है ट्रिकल डाउन। याद करें, धनी लोगों को आप एक तरफ रिच बनाते जाते, उनको रिच बनाने के साथ साथ उस रिचनेस से आप गरीब लोगों क्या दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। दिस इज ट्रिकल डाउन करना, मीन्स किसी को बेनिफिट करना, लाभ पहुंचना, किसे, गरीबों इत्यादि को। तो हार्म तो होगा नहीं ना। डायरेक्टिव क्या होता है, रूलिंग होती है, व्यवस्था होती है, मीन्स निर्देश होता है, आदेश होता है। तो शब्द्यू क्या होता है, किसी को अपने अधीन कर लेना, तो क्या हो जाएगा, ट्रिकल डाउन का बेनिफिट हो जाएगा, मीन्स लाभ पहुंचाना। ये मेरी मेहनत है, और अगर आपको लगता हो बच्चों आप बहुत मेहनत करते हैं तो आप विश्वास करिए, आप पढ़ने के लिए जितनी मेहनत नहीं करते हैं, विश्वास करें उससे ज्यादा मेहनत मैं इन्हें बनाने के लिए करता हूं। और आप कतई नहीं सोचेगा बच्चों कि ये केवल मैं अपने फायदे के लिए करता हूं, सब लोग अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, कि मेरा पहला उद्देश्य यही होता है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर दूं जिससे आप आगामी अपनी परीक्षाओं में क्या हो जाए, सफल हो जाए, ठीक है। और उसी कड़ी में, उसी सफलता को देने की कड़ी में, ये जो सेक्शन है सबसे जरूरी सेक्शन है, और ये वो सेक्शन है जो कॉमन एरर्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों, देखें, अगर आपने कॉमन एरर तैयार किया ना, तो आपका केवल कॉमन एरर ही नहीं तैयार होता है, आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस फिलर्स भी तैयार होता है। मैं आगे आपको समझाऊंगा कि तीनों पोर्शंस कैसे तैयार हो जाएंगे, लेकिन अभी ये सारे जो कॉमन एरर्स मैंने दिए हैं, ये सभी कॉमन एरर्स केवल मैंने उसी एडिटोरियल से दिए हैं जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब एडिटोरियल पढ़िए, आप अच्छे से देखते चलिए, रिवीजन करिए, ताकि केवल पढ़े ही नहीं, अपने एग्जाम्स में भी आप सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सके। चलिए देखते हैं, ये हमारा कॉमन एरर का सेक्शन है, आपको बताना होगा कहां पे गलती है। पहला क्वेश्चन आपका है, इट इज फॉर द लॉडेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन, बताइए कहां गलत है। इट इज फॉर द लॉडेबल ऑब्जेक्टिव, यानी यह उस लॉडेबल ऑब्जेक्टिव, प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए है, आप प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन, क्या देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व देने के लिए, यानी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए यह एक लॉडेबल ऑब्जेक्टिव है। तो गलत क्या है इसमें, आ रहा है समझ में। जिन्होंने भी एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि किसी भी प्रिपोजिशन के बाद उसमें हमेशा वर्ब प्लस आई, अगर नाउन है तो अपनी जगह है, अगर वर्ब दिया गया है तो हमेशा उसमें आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ें। यहां देखिए मैंने क्या दिया आपको, बनाया अपने से
आप प्रोवाइड, यानी आप प्रोवाइड नहीं होगा बच्चों, आपके बाद अगर वर्ब ले रहे हैं आप, तो इस वर्ब में ये चीज जो है आपकी, ये आप प्रोवाइडिंग हो जाएगी, हो जाएगी आप प्रोवाइडिंग, ठीक है। ये एग्जाम अरे कहीं किसी किताब में नहीं दिया गया बच्चों, जो एडिटोरियल मैंने पढ़ाया था ना उसी से मैंने फॉर्म किया आपको इस समझाने के लिए, एग्जाम्स में इनका लाभ लें आप। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द वर्डिक्ट क्वाशिंग द रिजर्वेशन ऑफ 100% ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट इन शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट अगेंस्ट अफर्मेटिव प्रोग्राम्स एज सच। तो सेंटेंस बड़ा है लेकिन देखें कोशिश करें, द वर्डिक्ट यानी वो निर्णय, क्वाशिंग द रिजर्वेशन ऑफ 100% जो 100% आरक्षण को रद्द करता है ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट, कौन से इस आरक्षण को, ऑल टीचिंग पोस्ट सभी जो टीचिंग पोस्ट हैं उनके, इन शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, कहां पर, आंध्र प्रदेश के शेड्यूल्ड एरियाज में, फॉर लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स किनके लिए, उन जनजातियों के लिए, आर नॉट अगेंस्ट अफर्मेटिव प्रोग्राम्स एज सच, वो स्वीकारात्मक प्रोग्राम्स के अगेंस्ट नहीं, खिलाफ नहीं। क्या गलत लग रहा है आपको, पता है ये कौन सी गलती है, एग्जाम्स में सबसे अधिक दी जाने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती है बच्चों, जो आपको धीरे धीरे तैयार करना होगा। आपका सब्जेक्ट क्या था, द वर्डिक्ट, क्या ये क्वाशिंग यहां वर्ब है, नहीं, मैंने बताया ना एडिटोरियल में, ये आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, आप इसे क्लास के रूप में पूरा क्लास ले सकते हैं, द वर्डिक्ट विच इज क्वाशिंग के रूप में हो जाएगा, या पार्टिसिपल फ्रेज ले सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में। तो आपको पता है इस द वर्डिक्ट जो सब्जेक्ट, इसकी वर्ब भी नहीं आई आपके पास, तो क्वाशिंग द रिजर्वेशन ऑफ 100% ऑल टीचिंग पोस्ट नहीं आई, इन शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश वर्ब नहीं आई अभी, फॉर लोकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स अभी भी वर्ब नहीं आए, आर अब आई है। ये आर किसके लिए बच्चों, द वर्डिक्ट के लिए, तो द वर्डिक्ट के लिए आर कैसे हो जाएगा, क्या होगा यहां पे, समझ में आ गया, इज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बच्चों, अगर आप चाहें तो अपने से मेहनत करके सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इट इज अ कॉशन अगेंस्ट इंप्लीमेंटिंग देम इन अ मैनर डेट्रीमेंटल फॉर द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। इस सारी वाक्य मैंने उसे एडिटोरियल से दिए हैं, बस अपने अनुभव के आधार पर इसमें जरूरी जो कॉमन एरर्स हो सकती थी वो मैंने दे दिया आपको फाइंड आउट करने के लिए, क्या गलत है आप, इट इज अ कॉशन अगेंस्ट इंप्लीमेंटिंग देम, यानी उनको लागू करने के खिलाफ ये चेतावनी है, इन अ मैनर इस तरीके से लागू करने के खिलाफ जिससे डेट्रीमेंटल फॉर द रेस्ट ऑफ सोसाइटी, जो समाज के बाकी हिस्सों के लिए क्या हो, नुकसानदायक हो। इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद जो सबसे अधिक सेक्शन दिया जाता है वो प्रेपोजिशन का होता है, तो अगर आपको याद हो पढ़ते समय, तो डेट्रीमेंटल के साथ बच्चों फार नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, यहां डेट्रीमेंटल फार नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, याद करते आगे चीजें हमेशा आपके काम आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ आ गए हम लोग, 10 क्वेश्चन केवल इसमें है आपके पास, तो चौथे क्वेश्चन में देखें क्या एरर है। जो भी बच्चे मेरे साथ एडिटोरियल में मेहनत किए होंगे या जिन्होंने ग्रामर सेक्शन में भी मेहनत किया होगा वो तुरंत इस वाक्य को कर लेंगे, पता है कैसे कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही आपने अ 5 जजेज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देखा तो आपके दिमाग में चीजें तुरंत आने चाहिए, लेकिन पहले देखते हैं, अ 5 जजेज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जजों वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, पीठ ने फाउंड पाया दैट की ईयर मार्किंग टीचर पोस्ट कि टीचर पोस्ट को सुरक्षित रखना इन एरियाज, ऐसे एरियाज में नोटिफाइड अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 5वें शेड्यूल में सूचित है, एडवर्सली अफेक्टेड द इंटरेस्ट, इस प्रकार की ईयर मार्किंग ने इंटरेस्ट यानी उनके हितों को बुरी तरह से क्या किया, प्रभावित किया। अब कहते हैं याद आ गया ना आपको कि आप ये स्ट्रक्चर नहीं ले सकते हैं, अ प्लस नंबर प्लस एडजेक्टिव यानी जजेस प्लूरल और कॉन्स्टिट्यूशन नाउन, ठीक है, यानी ये जजेज नहीं हो सकता है, इसे किस में बदलना होगा आपको, जज में बदलना होगा क्योंकि ये प्लूरल नहीं बना सकते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन आ गया, इट एडवर्सली अफेक्टेड द इंटरेस्ट, इसने बुरी तरह से प्रभावित किया उन हितों को, किनके हितों को,
ऑफ अदर कैंडिडेट्स, दूसरे कैंडिडेट्स के, नॉट ओनली फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, जो केवल शेड्यूल्ड कास्ट से ही नहीं थे, बट अदर एसटी कम्युनिटीज, बल्कि अन्य शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज से भी थे। ऐसे क्वेश्चन आपको कंजंक्शन के रूप में बहुत बार दिए जाते हैं। बोले क्या गलत है बच्चों? जो बच्चे शुरू से मेहनत किए होंगे वो बच्चे पढ़ते ही समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? देखिए, इट एडवर्सली अफेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ अदर कैंडिडेट, नॉट ओनली। जैसे ही आपने नॉट ओनली देखा ना, तो नॉर्मली नॉट ओनली का जो कॉम्बिनेशन होता है वो याद है क्या होता है? बट ऑल्सो होता है, ये होता है ना। तो यहां देखिए क्या लिखा है, नॉट ओनली फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, बट क्या ऑल्सो कहीं लगा है यहां? कतई नहीं। यानी यहां केवल बट नहीं होगा बच्चों, यहां बट के बाद ऑल्सो भी जोड़ना होगा। चलिए सिक्स क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। What the state government does in its original orders of 1986, यानी 1986 के orders में सरकार जो कुछ करती है, was not without its own rationale. Rationale याद होगा, वह बिना कारणों के नहीं था, उनके पीछे क्या थे? कारण थे। क्या गलत है? सोचें बच्चों, देखें क्या गलत है यहां। ये वो चीज आप कर रहे हैं बच्चों जो आपके एग्जाम्स में आगे बहुत काम आए। जिन बच्चों को ये सेक्शन अच्छा लग रहा वो बच्चे अपना लाइक देते जाएं, अगर जरूरी हो जहां कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करते जाएं, और जो बच्चे नए जुड़े हों वो सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, ताकि आपको पता चलता रहे जो नई वीडियोस अपलोड की जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा, व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डज इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर्स ऑफ 1986। ऑर्डर्स कब के हैं? 1996 के हैं ना, 1986 के। तो 1986 में डज कैसे आ जाएगा बच्चों? पास्ट में जाना होगा आपको ना। जब पास्ट में जाना होगा तो यहां आप जानेंगे, यहां डज नहीं, क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिड, यही होगा ना, डिड। यानी व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड, नॉट डज। ओके, समझ लोगे? पास्ट में आप कैसे प्रेजेंट यूज कर सकते हैं? अगर कोई कहे ही हैज कम yesterday, he has come yesterday, कभी होगा कभी नहीं, he came yesterday। कोई कहे he has come 2 days ago, कभी होगा नहीं, he came 2 days ago। he has come last day, होगा कभी? कभी नहीं, he came last day। जब भी कहें last या yesterday या ago का प्रयोग हो, normally आप past indefinite का प्रयोग करते हैं। यहां does नहीं, क्या हो जाएगा? did हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवें प्रश्न पे आ गए हम लोग। देर वॉज क्रोनिक अब्सेंटीज्म बिटवीन टीचर्स, यानी अध्यापकों के बीच में एक अनुपस्थित होने की आदत हो चुकी थी। हु डिड नॉट बिलोंग टू दोज रिमोट एरियाज, जो उन दूर दराज के इलाकों से जुड़े हुए नहीं थे। क्या गलत है बच्चों? बोले क्या गलत लग रहा है आपको? ये क्वेश्चन है आपका, देर वॉज क्रोनिक अब्सेंटीज्म, देर वॉज क्रोनिक अब्सेंटीज्म बिटवीन टीचर्स, who did not belong to those remote areas। बहुत बार ऐसे प्रश्न दिए गए होंगे अब तक, और अगर आपने एक्सरसाइजेस की होंगी तुरंत आपको आ गया होगा। क्या याद आया? कि आप यहां बिटवीन ले रहे हैं, किनके लिए? टीचर्स के लिए। क्या हम यहां केवल दो टीचर्स की बात कर रहे हैं? नहीं ना, हम दो से अधिक टीचर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर दो से अधिक टीचर्स की बात कर रहे हैं तो फिर बिटवीन कैसे आएगा? नॉर्मली यहां क्या आएगा? एमंग का प्रयोग आएगा। लेकिन बच्चों आप ये धारणा निकाल दीजिएगा कि दो से अधिक के लिए बिटवीन नहीं आता, लेकिन अभी ये समय नहीं है मैं उस पर डिस्कशन करूं। आप याद रखें, जहां भी टूर्नामेंट का प्रयोग होता है, कोऑपरेशन का प्रयोग होता है, ट्रीटी का प्रयोग होता है, कहीं पर भी लीग कोई है तो डिफरेंस का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे शब्दों के साथ एमंग का प्रयोग नहीं होता है बच्चों, बिटवीन का ही प्रयोग होता है, भले वो दो से अधिक ही क्यों ना हो। और भी आप जानते होंगे, एमंग वहां लगाते हैं जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होता है, उसका अगला जो वर्ड है कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा हो, और एमंगस्ट का प्रयोग कॉन्सोनेंट और वावल दोनों के साथ करते हैं। ये चीजें ग्रामर में आप पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां आ गया। इट्स सॉल्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग ओनली मेंबर्स ऑफ द लोकल ट्राइब्स, यानी लोकल ट्राइब्स के मेंबर्स का ही मसौदा तैयार करने का इसका जो हल है, were not a viable solution, वह एक viable solution नहीं था। तुरंत आना चाहिए ना कि हम subject के रूप में क्या ले रहे हैं, it's a solution, members नहीं है बच्चों,
ट्राइब्स नहीं है हमारा सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्या है, इट्स अ सॉल्यूशन। तो अगर इट्स अ सॉल्यूशन सब्जेक्ट है तो फिर देखें वर कैसे आ जाएगा, क्या आएगा यहां, वास आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर के रूप में यूज करें, इट्स अ सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, इट कुड हैव कम अप विद अदर इंसेंटिव्स, ये सरकार के लिए बताया गया था, याद करिए, किसी कुछ अन्य समाधानों के साथ, प्रोत्साहनों के साथ आना चाहिए था टू इंश्योर द अटेंडेंस ऑफ टीचर्स, ताकि टीचर्स की अटेंडेंस को वो सुनिश्चित कर सकें, इंश्योर कर सकें। अगर आप ये प्रश्न तुरंत कर लिए हो तो समझिए आप अच्छे हैं, कॉमन सेंस आपका अच्छा है। क्यों, समझ में आया, क्यों आपका कॉमन सेंस अच्छा है, क्यों आपकी पकड़ अच्छी किसी चीज पर, क्योंकि जैसे ही आपने ये इंश्योर यहां देखा टू के बाद, तुरंत आप समझ गए वर्ब के रूप में है। अगर वर्ब के रूप में आई एन एस यू आर ई है तो उस इंश्योर मीन्स क्या होता है, याद है आपको, बीमा कराना। यहां बीमा कराने की बात नहीं है, यहां पे सुनिश्चित करने की बात है। अगर सुनिश्चित करने की बात है तो ये इंश्योर की स्पेलिंग आई एन नहीं होगी, क्या होगी, ई एन एस यू आर ई हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस करें आप रेगुलरली। और अब हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 371 डी हैज इश्यूड ऑर्डर। देखें मैं आपको समय दे रहा हूं 30 सेकेंड का, और बोले क्या गलत है यहां पे। जिन भी बच्चों ने नाउन पढ़ लिया होगा अच्छे से मेहनत से, उन्हें तुरंत आ जाना चाहिए। आया, आ गया बच्चों, समझ में आया आपको कि यहां आर्डर नहीं होगा। अगर वो आर्डर प्रेसिडेंट के द्वारा या किसी कोड के द्वारा दिया जा रहा है तो वो रिटेन आर्डर है, और जैसे ही वो रिटेन आर्डर होता है तो वो आर्डर नहीं होता है, क्या हो जाता है, वो आर्डर्स हो जाता है। टोल में देखिएगा वहां पे आर्डर से दिया है, मैंने यहां करेक्शन के लिए आपको दिया था, ठीक है, समझ में आया, अच्छा लगा होगा आपको ये सेक्शन, क्योंकि केवल एडिटोरियल पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, आप एडिटोरियल भी पढ़ें। और सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है, जैसे आप समझ सकते हैं कि हमने आज पढ़ा और फिर उस पर हमको पूरी ये सब क्या मिल गई, एक्सरसाइज मिल गई, अब हमारा तैयार हो गया होगा, हमें समझ में आया होगा कि एडिटोरियल पढ़ने का वास्तव में फायदा क्या है। अब तक हमारे मन में रहा होगा यहां हमने एडिटोरियल पढ़ लिया, हमारा एक फॉर्मेलिटी हमारी पूरी हो गई, ऐसा ना करें बच्चों। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप खुद के लिए भी बहुत मेहनत करिए, उसमें ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने जो एडिटोरियल पढ़ा उसमें सारी इतनी सारी वर्ड्स अच्छे अच्छे आपने विद ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स उनको क्या कर लिया, तैयार कर लिया। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें या फिर जैसे भी चाहें इन्हें तैयार करें, बच्चे करें सर पीडीएफ डाल दीजिएगा, जल्दी मैं आपको ये कोशिश करूंगा सारी चीजें आपको मिल जाएगा, ठीक है, अच्छा लगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा कि किस तरीके से आपने इनको मैनेज किया, ठीक है।